वी डिस्कस द टॉपिक वार्जिंग. व्हाट इज वार्जिंग? इट इज रिलेटेड टू द मूवीज दैट इन 1983 नेम वाज वार गेम्स. ठीक है, ये जो है बेस्ड वार गेम्स एक मूवी आई थी उसके ऊपर. एक्चुअली वार्जिंग होता क्या है? इट एक्सेसिंग पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क और सिस्टम. यू स्कैन फॉर अ वाईफाई एक्सेस पॉइंट एंड कम अप विथ योर नेबर्स. व्हाट आर द लीगल इम्प्लीकेशन? ठीक है, एक्चुअल में ये जो वर्ड आया है, ठीक है, ये नोमेनक्लेचर जो इसका आया है, नोमेनक्लेचर जो इसका आया है वर्जिंग का, वो डिराइव हुआ है कहाँ से? वार गेम से. वार गेम एक 1983 में आई मूवी है जिसमें एक स्टूडेंट रहता है, मैथ्यू ब्रॉडरिक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है. वो क्या करता है, हु यूजेस हिज कंप्यूटर टू डायल एवरी फोन नंबर इन सनीवेल कैलिफोर्निया ऑटोमेटिकली टू सर्च फॉर मॉडेम्स. ठीक है, ओन्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज इन होप फॉर गेटिंग कॉपीज ऑफ द लेटेस्ट गेम. ठीक है, बिफोर देयर रिलीज टू द पब्लिक द मूवी वॉज इन्फ्लुएंशियल टू द हैकर्स कल्चर एंड द एक्ट ऑफ डायलिंग नंबर टू डिस्कवर लिसनिंग मॉडेम बिकेम नोन एज वार डायलिंग. ये बहुत वार्जिंग जो है वार डायलिंग या वार गेम्स, वार ड्राइविंग, वार स्पाइंग इस नाम से भी है. ठीक है, इसमें एक्चुअली में ये जो लड़का रहता है ब्रॉडरिक, वो क्या करता है, नंबर डायल करते हैं मॉडेम में. ठीक है, फोन से नंबर डायल करता है और मॉडेम से डेटा एक्सेस करता है. वो क्या करता है, जो लेटेस्ट गेम रहती है रिलीज की पहले, उसकी कॉपीज को वो लेता है. ठीक है, उसकी कॉपी ले लेता है और उसको एक्सेस कर लेता है. वो लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से स्कूल को, स्कूल के सिस्टम में भी हैक एक्सेस करता है और उसमें नंबर वगैरह चेंज करके वो देखता है. ठीक है, ये बेस्ड है इस मूवी के ऊपर ही. क्या होता है कि ये हम आज की डेट में वाईफाई एक्सेस करते हैं, वाईफाई एक्सेस करने के साथ में, ठीक है, वाईफाई एक्सेस अगर हमको मिल जाता है तो हम लोकली किसी के सिस्टम पे भी इंटर कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमको किसी का वाईफाई एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस पॉइंट में अगर हम लॉग इन कर सकते हैं, तो आसानी से हम उस पर जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है हम उसको यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे देखिए वार डायलिंग, और वार डायलिंग इज अ टेक्निक टू ऑटोमेटिकली स्कैन अ लिस्ट ऑफ टेलीफोन नंबर्स यूजुअली डायलिंग एवरी नंबर्स इन अ लोकल एरिया कोड टू सर्च फॉर मॉडेम और कंप्यूटर्स बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एंड फैक्स मशीन. हैकर यूज द रिजल्टिंग लिस्ट फॉर वेरियस पर्पज. ठीक है, हॉबिस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड क्रैकर्स मिलिशियस हैकर्स हु स्पेशलाइज इन ब्रीचिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी फॉर गेसिंग यूजर अकाउंट. ठीक है, लोकल लोकेटिंग मॉडेम दैट माइट प्रोवाइड एन एंट्री पॉइंट इन टू कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इट मे ऑल्सो बी यूज बाई अ सिक्योरिटी पर्सनल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू डिटेक्ट अनऑथराइज डिवाइस सच एज मॉडेम ऑफ एक्स कंपनीज टेलीफोन नेटवर्क. ठीक है, द वर्ड इज वार ड्राइविंग इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर वाईफाई वायरलेस नेटवर्क बाई एन अटैकर यूजली इन मूविंग व्हीकल्स. ठीक है, अगर हम कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं या हम जा रहे हैं किसी व्हीकल से और उसके आसपास का एरिया जहाँ पे वाईफाई नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ लैपटॉप और स्मार्टफोन. सॉफ्टवेयर फॉर वार ड्राइविंग इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ठीक है, वार बाइकिंग, वार साइकिलिंग, वार वॉकिंग आर सिमिलर, यूज द सेम अप्रोच बट विद अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये सारी चीजें सेम है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मोड इसका अलग अलग है. जैसे बाइकिंग, वार बाइकिंग अलग है, वार साइकिलिंग अलग है, लेकिन पर्पज एक ही है. ठीक है, ये हो गया वार्जिंग. वार्जिंग में एक्चुअल इसका है कि लोकल वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करना. ठीक है, उसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक. व्हाट इज DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक? फर्स्ट वी नो द DNS. व्हाट इज DNS? DNS इज अ डोमेन नेम सर्वर. ठीक है, हम अगर कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, मान लीजिए google.com हो गया, facebook.com हो गया, या कोई भी .com या कोई भी एड्रेस. ठीक है, डोमेन नेम जिसको हम बोलते हैं .com हो सकता है, .org,
वो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रहता है जो डोमेन नेम सर्वर उस आईपी एड्रेस डोमेन नेम डोमेन सर्वर पे जाता है। वहां से जो यहाँ से जो रिक्वेस्ट गया है जिस नाम का उसका आईपी एड्रेस देखता है और वहां से वो रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, तो डीएनएस को एम्पलीफाई करना, दैट इज अ डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक। कैसे होता है ये देखते हैं आगे। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इज ऑल्सो कॉल्ड डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इन विच द अटैकर एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन डोमेन नेम सिस्टम सर्वर टू टर्न इनिशियली स्मॉल क्वेरीज इनटू मच लार्जर पेलोड व्हिच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द विक्टिम सर्वर। में एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए कोई विक्टिम है, कोई यूजर है, ठीक है, यूजर ने किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, वेबसाइट उन्होंने मान लो कोई एक वेबसाइट खोली, कोई सी भी वेबसाइट, google.com या कुछ भी .com हो गया, या कुछ ORG, उसने पर्सनल कोई वेबसाइट खोली है। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट भेजा, ये कहाँ पे जाएगा, डीएनएस पे। ठीक है, डीएनएस पे जाएगा, अटैकर क्या करता है, ठीक है, उसका जो कैश है उसको यूज करके, ठीक है, वो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उस पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा कि यूजर का जो सिस्टम है, विक्टिम का जो सर्वर है, वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसने भेजा है, एक बाइट का रिक्वेस्ट भेजा है, और उसको अगर 1000 बाइट का रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज द दैट कैन नॉट बी रिसीव फॉर बाई देम द विक्टिम। ठीक है, डीएनएस एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अटैक विच मैनिपुलेट पब्लिकली एक्सेसिबल डोमेन नेम सिस्टम मेकिंग देम फ्लड अ टारगेट विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूडीपी पैकेट्स यूजिंग वाई यूडीपी पैकेट्स मैं आगे बताऊंगा। यूजिंग वेरियस एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स प्रिपरेटर कैन इन्फ्लेट द साइज ऑफ द यूडीपी पैकेट्स मेकिंग द अटैक सो पोटेंट एज टू ब्रिंग डाउन इवन द मोस्ट रोबस्ट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए इसको हम सिंपल जनरल वे में समझते हैं कि फ्लड, फ्लड मतलब अगर बाढ़ आती है, तो अगर खेत में थोड़े से पानी की जरूरत है और वहां पे अगर कोई बाढ़ आ जाती है तो पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अगर वो स्लोली स्लो अगर उसको पानी चाहिए और वहां पे फ्लड आ जाता है तो क्या होगा, वो पूरा खेत खराब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर उन्होंने 1 बाइट का रिक्वेस्ट मांगा है और उसको 1000 बाइट का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, 50 टाइम्स एम्पलीफाई करके अगर उसको रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसका सर्वर क्रैश कर जाएगा। इसको इसका इसको कौन कर सकता है, अटैकर इसका फायदा उठाता है। ठीक है, इन अ डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक मेलिशियस एक्टर टेक एडवांटेज ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस बुक ऑफ द विच इज द एड्रेस बुक ऑफ द इंटरनेट विच इट इज एज अ वेपन अगेंस्ट अ टारगेट विक्टिम वेबसाइट। द गोल इज टू फ्लड द वेबसाइट विद फेक डीएनएस लुकअप रिक्वेस्ट दैट कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ टू पॉइंट दैट द साइट फेल्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ द अटैक वर्क्स लेट्स रिविजिट एट अ हाई लेवल हाउ डीएनएस वर्क व्हेन अ यूजर types www.example.com into their browser. The DNS is the internet service that accept the request. DNS उसको accept करेगा, इस जो भी ये example.com खोल रहे हैं हम, उसको request को accept करेगा. Find the IP address of this website and assign to the domain name and send it back to the browser so the client can connect to the website. Then there is a specific process for finding the address, beginning with द यूजर डिवाइस चेकिंग इट्स लोकल कैश। इसका कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है एड्रेस को फाइंड करने का। सबसे पहले विद द यूजर डिवाइस चेकिंग द इट्स लोकल कैश, इफ नॉट फाउंड देन क्वेरिंग असाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस सर्वर। ठीक है, पहले वो लोकल कैश पर सर्च करेगा, नहीं उसके बाद फिर डीएनएस सर्वर रिजॉल्वर मोड बोलते हैं जिसको। इफ नॉट फाउंड फिर देन प्रोसीडिंग थ्रू हायरार्की ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर अक्रॉस द इंटरनेट अंटिल द आईपी एड्रेस इज फाउंड। जब तक ये फाउंड नहीं हो जाता तब तक उसको फाउंड करता है। इंटरनली अ कॉर्पोरेट नेटवर्क टिपिकली ओनली रिजॉल्व डीएनएस रिक्वेस्ट फॉर इट्स ओन एम्प्लॉय
but the internet is full of open publicly accessible DNS resolver that will resolve DNS request for anyone, including the attacker. Using this open resolver, attacker can send make fake requests without raising any red flag. ये जो है अटैकर इसका फायदा उठाते हैं और फेक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर द अटैकर्स? एम्प्लीफिकेशन. हियर आ एम्प्लीफिकेशन. रिमेम्बर देयर गोल इज टू टर्न रिलेटिवली स्मॉल डीएनएस रिक्वेस्ट. जो यूजर ने क्या भेजा है, स्मॉल डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा है, अटैकर उसको चेंज कर देता है किसमें, यूज रिस्पॉन्स में. ठीक है. टिपिकली डीएनएस रिक्वेस्ट इज अ वेरी स्मॉल, just a few line of text, usually in the tens of bytes. मान लीजिए वो 10 byte का है, and return a response that only slightly larger as shown in figure. यहाँ पे आप देखिए, इस figure में देखिए, client ने एक request भेजा जो 30 byte का है, और generally इसको amplification factor है 1.5x, और response आ रहा है उसको 45 byte का. अगर मान लीजिए यही request 15x हो जाता है amplification factor, response आ जाएगा 150 bytes. This is the This is the amplification of DNS. Attacker, it is done by the attacker, which destroy the server of the client. ठीक है, client के system को पूरा destroy कर सकता है, उसके browser को. ठीक है. Why use UDP in DNS amplification attack? Because UDP is a connectionless protocol. हमने पहले पढ़ा हुआ है connectionless protocol है. It means it doesn't keep track of conversation. इसका मतलब ये है कि वो conversation का कोई भी track नहीं रखता है. It has no way of knowing if the source IP address is in a request is valid. तो इससे UDP इसलिए use करते हैं ताकि जो attacker है, जो spoof कर रहा है, उसका source IP address victim को पता ही ना चले. This strategy both hides the attacker's identity and ensures that all response from the DNS resolver will be sent to the victim system instead of the attacker. In this way, the DNS resolver are acting as a reflector, returning response to a victim that never requested anything. Okay, thank you.